पिपलिया आना तालाब के प्राकृतिक बहाव को संतुलन करने के लिए इंदौर नगर निगम ने उसके दोनों ओर आउटलेट बनाए। इन आउटलेट को खोलने के लिए बुधवार को निगम की टीम अधिकारियों के साथ तालाब पहुंची थी, लेकिन नगर निगम की टीम को स्थानीय रहवासियों के विरोध का सामना करना पड़ा। लोगों के विरोध को देखते हुए निगम की टीम उल्टे पांव लौट गई। जिला एवं सत्र न्यायालय ने निगम आयुक्त को पत्र लिखकर पिपलिया थाना में बन रही कोर्ट बिल्डिंग के पास स्थित कथित तालाब, पत्र में ऐसा ही लिखा है कि दोनों ओर बनाए गए आउटलेट को खोलने का कहा था। इसके चलते निगम आयुक्त अन्य अधिकारियों के साथ बुधवार को तालाब पर पहुंचे। निगम की टीम तालाब पर पहुंची तो वहां के रहवासियों के मध्य यह खबर फैल गई कि कोर्ट बिल्डिंग बनाने के लिए तालाब को खाली किया जा रहा था। इसके चलते रहवासी निगम का विरोध कर प्रदर्शन करने लगे। रहवासियों का कहना था कि आउटलेट खोलने से तालाब खाली हो जाएगा, जिससे उनके यहां आने वाला पानी बंद हो जाएगा। लोगों ने प्रदर्शन कर पिपलिया थाना तालाब करें पुकार, मेरा जीवन आपके हाथ, जल गए तो कल गए, तालाब को बचाना है आदि के नारे लगाए गए। दादा, रहवासियों का विरोध है, तालाब जो है खाली कराने की मंशा है नगर निगम की और रहवासियों का विरोध है। बार एसोसिएशन इस पर क्या विचार? बार एसोसिएशन तो लगातार यानी कि रहवासियों के साथ में चल रही है, क्योंकि बार एसोसिएशन रहवासियों की जल स्तर कॉलोनियों का, जो 30 कॉलोनियों का जीवन संकट में लाने का काम किया जा रहा है और इंदौर शहर की जनता को भी धोखे में रखा जा रहा है, जिसके लिए जनता पहले ही इस तालाब को बनने से पे कोर्ट बनने से रोक चुकी है, लेकिन स्वार्थ के वशीभूत होकर ये लंबा प्रोजेक्ट है और अब जो न्याय देने वाले लोग हैं वो कटघरे में हैं। वो खुद हमने आज छपाए भास्कर और समाचार पत्र, नई दुनिया, सभी पेपरों में साथ दिया जा रहा है, क्योंकि एक ही है इसके लिए सब लोगों को उठ खड़ा होना पड़ेगा और न्याय की ये तानाशाही ताकत को रोकने के लिए आज जैसे आप शुरू हुए एकजुट होना, ये होना पड़ेगा। न्यायालय के अभिभाषकों ने तो इसलिए हड़ताल भी की, लगातार अभी इस मुद्दे को जीवित रखा हुए हैं, क्योंकि आज सुबह भी इतनी जल्दी सवेरे कौन सी कोर्ट लगती है, और नगर निगम ने जब बोर्ड लगा रखा है कि यह तालाब गहरा है या कपड़े धोना मना है, दबाव डालकर कमिश्नरों पे, इन पे न्यायालय ये काम कराना चाहता है और अब तालाब को यहाँ से फोड़ के और पानी निकालने का, जैसे ही आज सुबह पता लगा तो ये सारे लोग यहाँ एकत्रित हुए। इसके खिलाफ संघर्ष चाहे लंबा चले, हम न्याय की इस तानाशाही को नहीं चलने देंगे।